हुई है ये। ये जो लखनऊ के देहात क्षेत्र का गुसाईगंज एरिया है, गुसाईगंज थाना क्षेत्र है, यहाँ के खुरदई बाजार, ये एक कस्बा है। यहाँ पर दुकानें भी हैं। यहाँ पर एक ये दुकान है सराफा की, और इसी के साथ लगा हुआ ये मकान भी है इनका। जो यहाँ पर एक वृद्ध दंपत्ति यहाँ पर रह रहे थे, रात्रि में कुछ नकबजनी से यहाँ पर शुरुआत की अपराध की। इसमें पीछे नकबजनी की गई घर के पीछे से, एक उसमें छेद करके दीवार में, और फिर एक ग्रिल हटा करके बदमाश अंदर घुसे हैं। और उसके बाद जो वृद्ध दंपत्ति है उनके साथ उन्होंने लूट की घटना कारित की है। जो सराफा की जो मेन दुकान है, यहाँ पर जो मेन लॉकर आपका है, हालांकि उस तक वो पहुँचने में असफल रहे, लेकिन ये जघन्य अपराध इन्होंने घटित किया है, जिसके संबंध में जो यहाँ पर वादी हैं इनसे तहरीर उपलब्ध कराने को कहा गया है। उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर मुकदमा दर्ज करके इसका शीघ्र अनावरण करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर टीमें लगा दी। कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया है? जो अभी ये संख्या स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फुटेज वगैरह है उससे एग्जैक्ट संख्या निकाल दें। क्योंकि ये जो है दो से ज़्यादा लोग ये लोग थे, दो तीन से ज़्यादा लोग यहाँ पर थे, और इसके पूरा स्पष्ट संख्या अभी नहीं है। जो वादी जैसा तहरीर देते हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा। कितने का माल गया होगा, कितना कुछ बताया? माल अभी इन्होंने स्पष्ट तरीके से नहीं बताया है, कुछ कैश बताया है, कुछ यहाँ काउंटर पे रखे जेवरात बताए हैं। हालांकि मेन लॉकर आपका बच गया है, स्पष्ट रूप से वो अपना जब देखेंगे अपना कि क्या क्या उनका सामान गया है, वो एक अलग से उन्होंने कहा है कि वो उपलब्ध करवा दें। लोकल पुलिस के साथ मिसहैंडलिंग लगती है, हाईवे पर दुकान है सर? लोकल पुलिस में इसकी भी हम लोग जाँच यहाँ पे कराएंगे। CO मोहनलालगंज को बताया गया है कि क्या गश्त व्यवस्था यहाँ पर थी, और संपूर्ण देहात क्षेत्र की जो गश्त व्यवस्था है सभी कस्बों को चिन्हित करके। हालांकि इस वर्ष पहले से भी हम लोगों की टीमें यहाँ पे मुस्तैद रहीं, लेकिन हम इसको और मुस्तैद करेंगे और बेहतर बनाएंगे। ठीक सर, थैंक यू।